इस वीडियो में बात करते हैं हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 को लेकर। तो 7.1 के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उससे हम इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है, देख लेते हैं एक बार। इसमें दिया हुआ है कि एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। एक एल और एम दो पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। इन दोनों पैरेलल लाइन को एक दूसरा पेयर जो खुद भी पैरेलल है, जैसे P और Q, वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब इंटरसेक्ट करने से यहां पर एक पैरेललोग्राम टाइप बना हुआ है, ये A B C D। अब इसमें एक डायगोनल बना हुआ है सी, तो अब इसमें दो ट्रायंगल फॉर्म हो गए हैं, एक ट्रायंगल A B C और एक ट्रायंगल है सी डी ए। तो इस तरह से अब हम इन दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, तो ए बी सी एक ट्रायंगल हो गया और सी डी ए एक ट्रायंगल हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो लाइन एल है वो एम के पैरेलल है और ए सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहां पर ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अब आगे इसमें दिया हुआ है इन दोनों ट्रायंगल में ए सी जो है वो कॉमन हो जाएगी, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी। तो ए सी इज इक्वल टू सी ए, ए सी इक्वल टू सी ए इसलिए लिया जा रहा है यहाँ पर। इसमें वैसे तो ए सी इक्वल टू ए सी भी लिख सकते हैं, लेकिन ए सी इक्वल टू सी ए इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो ट्रायंगल की सीक्वेंस है ए सी और इधर ये सीक्वेंस है सी ए, तो इन दोनों की वजह से ए सी इक्वल टू सी ए लिखा जाएगा। अब चलते हैं दूसरे एंगल पर, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। एंगल बी ए सी ये एंगल है और ये किसके इक्वल है, ये डी सी ए के इक्वल है क्योंकि पी क्यू पैरेलल क्यू है। तो पी पैरेलल क्यू होने की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो अब इसमें बाय एंगल साइड एंगल ये कॉन्ग्रुएंसी रूल लग जाएगा, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए। तो ट्रायंगल ए बी सी ये ए से बी और बी से सी, तो ए एंगल किसके इक्वल है यहां पर, सी के। तो जब ट्रायंगल यहां से ए बी सी से शुरू करेंगे तो इस ट्रायंगल को सी से शुरू करेंगे, तो ये ए बी पे जाएगा, तो इधर ये सी से डी पर जाएगा क्योंकि ट्रायंगल यहां से ये ए से बी है और ये सी से डी है। तो इस सीक्वेंस का हमें यहां पर ध्यान रखना होगा कॉन्ग्रुएंसी में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, फिफ्थ क्वेश्चन में है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये एक लाइन है एल, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये एंगल वन और एंगल टू दोनों इक्वल है। एंगल क्यू ए बी इक्वल टू एंगल पी ए बी, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे यहां पर। और क्या क्या गिवन है, बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी टू आर्म ऑफ एंगल ए। बी पी और बी क्यू परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाते हैं। इसमें आगे शो करना है कि ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए क्यू बी के, तो ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ए क्यू और बी के, इसमें कॉन्ग्रुएंसी करनी है। तो इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। तो ए पी बी और ए क्यू बी इसलिए इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों 90 90 डिग्री के हैं,
इसलिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। दूसरा केस बनेगा एंगल PAB का, तो PAB इज इक्वल टू एंगल QAB। PAB और QAB ये दोनों एंगल इसलिए इक्वल हैं क्योंकि AB जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आधा एंगल इधर हो गया, आधा एंगल इधर हो गया। तो इसमें हम लिख सकते हैं L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसमें नेक्स्ट है अब AB इज इक्वल टू AB, ये कॉमन है दोनों में, तो AB बीच में आई हुई है, ये कॉमन होगी साइड। तो अब यहां पर देखते हैं कि दो तो एंगल, एंगल APB, AQB, PAB, QAB और एक साइड, पाई एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AQB। तो फर्स्ट पार्ट में हमें इसके यही प्रूव करना था, तो दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इसका सेकंड पार्ट BP इज इक्वल टू BQ। अब सेकंड केस में जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट अगर ट्रायंगल हो AQB है हो गया, तो जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं सारे इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर BP इज इक्वल टू BQ, ये CPCT से हो जाएगा। तो अब करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में गिवन है कि AC इक्वल टू AE, AC यहां से यहां तक और ये इक्वल टू है AE के। दूसरा AB इक्वल टू AD, ये AB साइड है और ये AD के इक्वल है। एंड एंगल BAD, BAD एंगल यहां से यहां तक है, ये इक्वल दिया हुआ है EAC, EA और C, EAC यहां से यहां तक है। और कहा है कि शो करना है कि BC इक्वल टू D, ये शो करना है इसमें। इनको अलग अलग ट्रायंगल में रख लेते हैं, पहले एक ट्रायंगल तो ये ले लिया, ये ट्रायंगल हो जाता है AB और C। दूसरा ट्रायंगल भी कुछ इसी तरह बनेगा, ये ऐसे है और ये ऐसे है और फिर ऐसे, तो ये हो गया A, D और E। अब इसमें हमें BC इक्वल टू DE शो करना है, तो BC इक्वल टू DE शो करने के लिए AC तो AE के इक्वल है, AB इक्वल टू AD है, तो दो साइड तो इनकी इक्वल हो गई है कॉरेस्पॉन्डिंग, गिवन है पहले से ही। अब इन्होंने जो दिया हुआ है वो एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC दिया हुआ है। एंगल BAD तो इसमें है नहीं कहीं, ना इसमें एंगल EAC है, लेकिन यहां पर एंगल BAD है जो ये है और इसमें एंगल EAC है जो ये है। ये जो बीच का सेक्शन है DAAC, ये एंगल छूट गया है, तो इस एंगल को मान लेते हैं X, क्योंकि हमें ABC ट्रायंगल चाहिए, तो ABC ट्रायंगल के लिए और हमारे पास एंगल है यहां तक D तक, तो ये जो सेक्शन है इसको हम इसमें ऐड करेंगे दोनों में। तो गिवन ले लेते हैं पहले, एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC। अब BAD एंगल में अगर हम X प्लस कर दें जो हमने DAC को मान लिया है, तो लेट एंगल DAC इज इक्वल टू X, तो एंगल BAD प्लस X इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस X। दोनों में सेम क्वांटिटी प्लस कर सकते हैं, तो BAD प्लस X, BAD प्लस X इज इक्वल टू BAC, तो ये एंगल हो गया BAC। ऐसे ही एंगल EAC प्लस होके X, इसमें ये एंगल बन जाएगा DAE, तो एंगल DAE। तो अब हमारे पास एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAE आ गया, और BAC कहां तक है,
यहां से यहां तक, और डी ए कहां से कहां तक है, वो यहां से यहां तक। तो अब हमारे पास साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाने के लिए तीनों चीजें हो गई हैं। अब हम इन ट्रायंगल बीएसी एंड ट्रायंगल डीएई में लेते हैं, क्या क्या है यहां पर, ए बी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है, और एंगल बीएसी इक्वल टू एंगल डीएई जो प्रूव कर लिया है हमने कि ये इक्वल हैं एक्स ऐड करके इसमें, और एसी भी इन्होंने दिया हुआ है कि एसी इक्वल टू ए, ये भी गिवन है हमें। तो यहां पर साइड एंगल और साइड बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल बीएसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीएई। तो बीएसी और डीएई जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो यहां पर हमें प्रूव करना है कि बीसी इक्वल टू डी। तो अब ये बीसी और डी दोनों इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे, बीसी इक्वल टू डी ये हो जाएंगे बाय सीपीसीटी से। तो ये इसमें शो करना था, और इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।